अगला नंबर सीढ़ी कनेक्शन है, इसको हम जीना कनेक्शन भी कहते हैं। अलग अलग जगहों पे इसको अलग अलग नाम से लोग बोलते हैं। सीढ़ी कनेक्शन, सीढ़ी का मतलब छत पे चढ़ते समय हमें एक ऐसी वायरिंग करनी है, जब हम छत पे चढ़ना शुरू करेंगे, जैसे कोई छत हुआ, जैसे सबसे पहले हमें एक स्विच चाहिए, और जब हम छत पे चढ़ना शुरू करेंगे तो हमको एक स्विच चाहिए जिस स्विच से हम बल्ब को ऑन करेंगे। और सीढ़ी अधिकतम ऐसी होती है कि बीच से लगभग मुड़ जाती है ना, बहुत कम सीढ़ियां होंगी जो डायरेक्ट छत पे चढ़ जाती है। ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं होती है, होती हैं लेकिन कम होती हैं, लेकिन अधिकतम सीढ़ियां बीच से मुड़ जाती हैं। तो हमें बल्ब कहां लगाना चाहिए, बीच में, यानी ऐसी जगह बल्ब लगाइए ताकि उसका उजाला इस सीढ़ी पर भी आए और इधर वाले पे भी आए। मतलब ये ना हो कि इसके लिए हमें अलग से बल्ब लगाना पड़े और इसके लिए अलग से लगाना पड़े। अगर आप इस बल्ब को यहां पे लगा देंगे तो ऐसा हो सकता है कि ये बीच में दीवार हो और इसकी रोशनी इस पे नहीं पहुंच पाएगी। सीढ़ी के रेलिंग होती है ना, तो रोशनी नहीं पहुंचने देगी। मतलब जो बल्ब हमें लगाना चाहिए वो लगभग बीच में लगाना चाहिए, इससे क्या होगा, रोशनी दोनों तरफ पहुंचेगी। हमें करना क्या है इसमें कि एक बल्ब ऐसा लगाना है कि जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे ये बल्ब जलेगा, और छत पे पहुंचेंगे तो स्विच को बंद करेंगे और ये बल्ब बंद हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि बल्ब को बंद करने के लिए हमें नीचे आना पड़े या किसी को बोलना पड़े भाई नीचे से बंद कर दो, अब हम पहुंच गए, ये सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। मतलब समझ रहे क्या कि एक ही बल्ब है और हम दोनों में से कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें कोई भी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। जैसे स्विच को ऑन करेंगे बल्ब जलेगा, छत पे पहुंचेंगे वहीं पे स्विच होगी, वहीं से उसको बंद कर देंगे। या फिर अगर ऊपर से आ रहे हैं तो स्विच को वहां से ऑन करेंगे बल्ब जलेगा, नीचे पहुंचेंगे बंद कर देंगे। या हम आ रहे हैं उसी समय कोई जा रहा है तो भी अगर वो प्रेस कर देता है तो कोई भी शॉर्ट सर्किट का डर नहीं होना चाहिए। किसी भी अवस्था में कोई भी कंडीशन नहीं है, कोई भी जा सकता है, कोई भी आ सकता है। अगर केवल लोग जा रहे हैं तब भी कोई बात नहीं है, केवल आ रहे हैं तब भी कोई बात नहीं है, और आ और जा दोनों रहे हैं तब भी कोई बात नहीं है। मतलब दोनों अवस्थाओं में ये काम करता है। तो इस तरह की हमें वायरिंग करनी है, ठीक है। अभी तक देखिए, इस वायरिंग को करने के लिए सबसे पहले हमें तो स्विच की जरूरत पड़ती है। स्विच, अब तक जिस स्विच का हम यूज किए हैं वो हमारी स्विच थी, उसको हम बोलते हैं वन वे स्विच। मतलब उसमें तार जोड़ने के लिए कितने पॉइंट थे, दो। और स्विच का काम क्या होता है, जब हम स्विच को नीचे की साइड प्रेस करते हैं तो ये ऊपर वाला पॉइंट नीचे टच हो जाता है, और जब हम यही पॉइंट इसको ऑफ करते हैं बंद करते हैं तो ये पॉइंट यहां से अलग हो जाता है। यही काम होता है स्विच का ना। अब जो हम स्विच लगाने वाले हैं वो होती है स्विच हमारी टू वे स्विच। टू वे, वन वे का मतलब समझते हैं, वन वे, वे मतलब रास्ता, जैसे हाईवे, वे का मतलब रास्ता। मतलब इसमें क्या होता है, ये फेस है, हमने यहां दिया और यहां से हम ले लिए, दिया जब स्विच को ऑन करे तो ये यहां पे टच हुआ। मतलब ये बना क्या, ये तो है एक रास्ता है ना, एक में सप्लाई गई और दूसरे से आउट हो गई तो ये एक रास्ता बना ना, ये वन वे यानी एक रास्ते वाली स्विच है, और ये टू वे, ये दो रास्ते वाली स्विच है। अब ये टू वे स्विच कैसे काम करती है, देखिए इसमें तार जोड़ने के लिए तीन पॉइंट है। इसका काम यह होता है कि जब हम स्विच को ऑन करेंगे, मतलब नीचे की साइड अगर प्रेस करते हैं तो बीच वाला पॉइंट नीचे से टच हो जाएगा, और जब हम इस स्विच को ऊपर की साइड प्रेस करेंगे तो बीच वाला पॉइंट ऊपर से टच हो जाएगा। एक टाइम में एक ही पॉइंट टच होगा, दोनों एक साथ नहीं टच हो सकता है। मतलब जैसे ये बीच का पॉइंट है यहां पे और ये स्विच है, अगर इस स्विच को हमने नीचे की साइड में दबाया तो बीच से नीचे टच हुआ, ऊपर छोड़ दिया, और जैसे इसको हमने ऊपर की साइड में प्रेस किया तो बीच वाला पॉइंट ऊपर से टच हुआ, नीचे छोड़ दिया। ऐसा इसका काम होता है। मतलब यह एक स्विच है जो या तो बीच वाला पॉइंट ऊपर टच रहेगा या तो नीचे टच रहेगा। यह स्विच ऐसा नहीं है कि बीच में भी रुकती हो, ऐसा तो नहीं है ना कि बीच में भी रुकती हो, चलो नीचे से ऑन करके बीच में छोड़ देंगे तो किसी पे सप्लाई नहीं जाएगी, ऐसा नहीं है। यह स्विच हर समय ऑन रहती है, किसी ना किसी एक पोजीशन पे हर समय ऑन रहती है। जैसे अगर इस स्विच के साथ हमें कोई बल्ब लगाना है, दो टे बल्ब हम यहां पे मान लीजिए लगा देते हैं, इसको हटा देते हैं। अगर हम यहाँ पे दो बल्ब लगा दें, ऐसा हमने दे दिया ये न्यूट्रल और फेस, अगर न्यूट्रल के तार को बल्ब के एक में दे दिया हमने और दूसरे में भी दे दिया, दोनों बल्बों में न्यूट्रल डायरेक्ट पहुंचा दिया, और फेस के वायर को एक स्विच के बीच वाले में जोड़ दिया और ऊपर वाले को एक बल्ब में जोड़ा, नीचे वाले को दूसरे बल्ब में जोड़ा,
तो जब हम स्विच को ऊपर की साइड प्रेस करेंगे तो बीच वाला पॉइंट ऊपर से टच होगा, और जब टच होगा तो दोनों बल्ब जलेगा। कौन सा जलेगा? ऊपर वाला, ये ऊपर वाला बल्ब जलेगा ना। और जब हम स्विच को नीचे की साइड प्रेस करेंगे ये बीच वाला पॉइंट नीचे से टच होगा, तब कौन सा जलेगा? नीचे वाला जलेगा। देखिए इस स्विच का यूज हम कहीं भी कर सकते हैं, बस इसको ध्यान देना कहां कहां कर सकते हैं। काम इसका क्या होता है कि बस ये बीच वाला या तो नीचे टच होगा या तो बीच वाला ऊपर टच होगा। इसका यूज कहीं भी करिए। अगर मान लीजिए इसके अंदर फेस वन फेस टू की बात होती तो भी डबल फेस के साथ हम इसकी वायरिंग कर लेते। नीचे करिए फेस वन लाइट जा रही है, ऊपर करिए फेस टू लाइट जा रही है, ऐसे। मतलब इसका यूज हम कहीं भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम देखिए, अगर इसी स्विच का टू वे स्विच का यूज कहां कहां कर रहे हैं, जैसे अगर यहां टू वे स्विच है, ये दो पॉइंट हो गए। अगर मान लीजिए कहीं पे फेस वन और फेस टू दो लाइट आ रही है और न्यूट्रल है, ऐसे तीन तार हैं। अगर एक तार को हम डायरेक्ट बाहर लेके जाएं घर में और फेस वन को एक को ऊपर जोड़ दे और एक को नीचे जोड़ दे और बीच वाले को आउट करवा ले, ये मिलेगा हमें न्यूट्रल, यहां से मिलेगा फेस टू रूम घर के अंदर ले जाने के लिए। अब अगर इस स्विच को हम बीच वाले, इस स्विच को जब हम नीचे की साइड करेंगे तो बीच वाला नीचे टच होगा ना, इस समय जो घर में लाइट जाएगी वो कौन सी जाएगी? फेस टू जाएगी। और जब हम इसको ऊपर की साइड में प्रेस करेंगे तब कौन सी लाइट जाएगी? फेस वन। एक टाइम में एक ही लाइट जाएगी। मतलब बस इस स्विच का समझना है कि स्विच का कार्य क्या है। जब हम नीचे करेंगे तो बीच वाला नीचे से टच होगा, जब हम ऊपर करेंगे तो बीच वाला ऊपर से टच होगा। क्लियर है? स्विच का काम क्या है? जब हम इसको नीचे की साइड प्रेस करेंगे तो बीच वाला पॉइंट नीचे से टच होगा, और ऊपर की साइड में प्रेस करेंगे तो बीच वाला पॉइंट ऊपर से टच होगा। स्विच का नॉर्मल काम है ये स्विच को हम बोलते हैं टू वे। मतलब इसमें दो रास्ता है, ऊपर से भी लाइट निकलती है और नीचे से भी लाइट निकलती है, इसमें दो रास्ते हैं। अब हम पॉइंट पे आते हैं। सीडी कनेक्शन का हमारा पहला तरीका होगा, इसमें कई तरीके हैं, चार पांच तरीके से हम इसको वायरिंग कर सकते हैं। अभी हम पहले तरीके को समझते हैं। यहां पे लगाते हैं, सबसे पहले नीचे जो हम स्विच लगाएंगे वो टू वे स्विच लगाएंगे। एक चीज और ध्यान देंगे, ये जो हमारी स्विच है ना, जो सीढ़ी कनेक्शन है, इसका यूज हम सिर्फ सीढ़ी के लिए नहीं करते हैं, बेडरूम के लिए भी करते हैं। बेडरूम का मतलब जैसे अगर ये घर है, ये रूम है हमारा, जैसे हम गेट से एंट्री किए तो हमें बोर्ड वहीं गेट पे ही तो चाहिए ना, ताकि मतलब वहां अंदर आने से पहले हम वहां से लाइट जला ले तब घर के अंदर आए। ऐसा तो है नहीं कि बोर्ड हमारा यहां चाहिए, पहले ही अंधेरे में ढूंढते हुए आए कहां गया कहां गया। तो वहीं से बल्ब को जलाएंगे और आकर के बेडरूम मान लीजिए यहां कोने में लगा है, तो आकर के यहां पे सो जाएंगे और सोने के बाद बल्ब को बंद करने वहां जाना पड़ेगा ना। उसके लिए क्या करेंगे, हम यहां भी एक स्विच लगा सकते हैं कि वहां से हमने बल्ब को जलाया, आकर के सो गए और सोए सोए हम यहां से बंद कर दिए, और फिर अगर रात में उठना हुआ तो यहीं से हम बल्ब को जलाएंगे, अगर वहां से बाहर जाना हुआ तो वहीं से बंद करके चले भी जाएंगे। और सेम ये वही कनेक्शन होगा ना जैसे सीढ़ी कनेक्शन है। मतलब एक ही उपकरण को दो जगह से कंट्रोल करने की बात, कुल मिला के फाइनल बात यही है कि एक ही उपकरण को दो दो जगह से कंट्रोल करना है। तो ये बेडरूम में भी ये वायरिंग हमारी चल जाएगी। यहां पर देखिए ये दो पॉइंट हो गए, इसके अलावा ये बीच में लगभग हमारा लग जाएगा बल्ब, बीच में लग जाएगा बल्ब, और एक स्विच और हो जाएगी जो कि हमारी है छत पे, और दोनों स्विच टू वे है। देखिए एक स्विच नीचे हो गई, बीच में बल्ब हो गया, और छत पे हमारी दूसरी स्विच हो गई। अब हमें इसका कनेक्शन करना है, ये है न्यूट्रल और फेस। जब भी हम कोई वायरिंग करते हैं हमारे पास दो ही तार होते हैं, एक न्यूट्रल और एक फेस, इन्हीं दोनों से हमारे वायरिंग की तो शुरुआत होती है। सबसे पहले अगर हम कनेक्शन करें, ये न्यूट्रल का तार है। अब तक जितनी भी हमने वायरिंग किया, किसी वायरिंग में ये नहीं बोला कि कभी न्यूट्रल स्विच में जाता है, नहीं बोला गया ना, हमेशा न्यूट्रल कभी भी स्विच में नहीं जाता है ये बोला जाता है। लेकिन अब की बार न्यूट्रल स्विच में भी जाएगा क्योंकि ये टू वे स्विच है। अब देखिए न्यूट्रल के वायर को यहां पे हम स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में जोड़ देते हैं। ये जरूरी नहीं है कि ऊपर है जोड़े, आप नीचे भी जोड़ सकते हैं, लेकिन मान लीजिए हमने ऊपर जोड़ दिया, एक में ऊपर जोड़ दिया, तो यहां अगले में ले जाकर के भी हम ऊपर ऊपर जोड़ देते हैं। दोनों स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में हमने न्यूट्रल पहुंचा दिया। अगर ये फेस का वायर एक पॉइंट के यहां नीचे में जोड़ दिया और दूसरी स्विच के भी नीचे वाले पॉइंट में जोड़ दिया, और यहां के बीच की दूरी समझ रहे ना, नीचे और छत की बात है, यानी दो तार तो नीचे से ऊपर तक ले जाना पड़ा। अब बचा हमारा बल्ब का, बल्ब अब ऑन ऑफ होगा कि नहीं होगा? अभी नहीं होगा क्योंकि तार ही नहीं जुड़ा है। अब ये बल्ब के दो तार बचे हैं, एक तार को ले आएंगे एक स्विच के बीच वाले में जोड़ देंगे, और दूसरे तार को लाएंगे दूसरे स्विच के बीच वाले पॉइंट में जोड़ देंगे। जोड़ दिया, कनेक्शन तो कंप्लीट हो गया। बात यह है कि अब यह काम करेगा कैसे,
कनेक्शन इसका वायरिंग हो गई कंप्लीट। जैसे मान लीजिए कि शुरू के अवस्था में दोनों स्विचें नीचे की पोजीशन पर हो तो बीच वाला पॉइंट नीचे टच होगा, कुछ इसी तरह से इसका रूप होगा। मान लीजिए शुरू की अवस्था में दोनों स्विचें नीचे की तरफ थी तो उसका रूप कुछ ऐसा होगा ना कि ये बीच वाला पॉइंट नीचे से टच होगा, इसी तरह का होगा। अब देख, अब अगर मान लीजिए दोनों स्विचें नीचे की तरफ है, ये बल्ब इस समय जल रहा है कि नहीं? नहीं जल रहा ना। देखिए ये न्यूट्रल की सप्लाई है, ये न्यूट्रल यहां पहुंच रहा है, यहां से निकल करके न्यूट्रल यहां पहुंच रहा है बस, और कहीं नहीं जा रहा है। ये फेस की सप्लाई है, यहां से पहुंच रहा है एक स्विच में, ये स्विच नीचे की साइड में टच होने के कारण सप्लाई यहां आएगी और इस पॉइंट में फेस मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। अब अगर यही फेस को और देखें तो यहां तक गया हुआ है, यहां से भी ये बीच वाले पॉइंट में टच हो रहा है, यहां से निकल करके भी इधर जा रहा है, यानी बल्ब के दूसरे पॉइंट में भी फेस मिलेगा, यानी एक बल्ब के दोनों पॉइंटों में फेस मिल रहा है। क्या ये बल्ब जलेगा? क्या ये फ्यूज हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, उड़ जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। कल ही क्लियर करवा दिए थे कि किसी भी एक उपकरण में, एक उपकरण के दोनों तारों को किसी एक पर दे दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। जैसे हमारा नॉर्मल कोई भी बल्ब है, अगर इस बल्ब से दो तार निकले और दोनों को एक के में टच करवा के इसको फेस दे दिया जाए या फिर न्यूट्रल दे दिया जाए तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता, ना तो जलेगा, ना तो शॉर्ट होगा, ना कुछ नहीं होगा। सेम उसी तरह से यहां पर बल्ब नहीं जल रहा है, नहीं जल रहा है। अब अगर इस बल्ब को जलाना है, शुरू में हम किसी भी तरफ करके छोड़ देंगे, अब इस बल्ब को जलाना है तो मान लीजिए किसी ने चलना शुरू किया, जैसे ही चलना शुरू किया पहला स्टेप लिया, और जब पहला स्टेप लिया तो जैसे ही स्विच को क्या करेगा, ऊपर की साइड में प्रेस कर देगा। अभी नीचे थी तो ऊपर ही बची है, नीचे है तो और नीचे तो जाएगी नहीं, ऊपर ही जाएगी। और जैसे ही ऊपर की साइड में प्रेस किया तो बीच वाला पॉइंट ऊपर से टच हो गया, टच हो गया। और जब टच हुआ ये न्यूट्रल की सप्लाई यहां जा रही थी, वो न्यूट्रल इधर से आकर के इसमें न्यूट्रल पहुंच गई, पहुंच गई ना, उसमें न्यूट्रल पहुंच गया। देखिए ये न्यूट्रल की सप्लाई थी, यहां से निकली है उधर से होते हुए यहां स्विच तक आई रही थी, और स्विच ऊपर टच होने की वजह से बीच वाला पॉइंट ऊपर टच हुआ तो यहां निकल करके इस बल्ब के एक पॉइंट में न्यूट्रल पहुंच गया। अब आगे फेस हमारा वैसे का वैसे पड़ा है तो इस बल्ब को एक तरफ न्यूट्रल और एक तरफ फेस मिलने लगा, ये बल्ब जलेगा कि नहीं? जलेगा ना। अब जैसे यहां से स्विच को ऑन किया, बल्ब जला, अब ये पहुंचेगा छत पे, जाएगा, और जैसे ही छत पे पहुंचेगा क्या करेगा, ये स्विच नीचे की तरफ थी इसको भी ऊपर कर देगा, और जब फिर इसको ये ऊपर करेगा तो बीच वाला पॉइंट ऊपर की साइड में टच हो जाएगा ना, और जब बीच वाला पॉइंट यहां पर ऊपर की साइड में टच होगा तो फिर इस वाले पॉइंट को भी इधर से आकर के न्यूट्रल मिलने लगेगा, तो बल्ब के दोनों पॉइंट में न्यूट्रल हो जाएगा। इस समय यह बल्ब जलेगा कि नहीं? नहीं जलेगा। क्लियर है? इस समय भी ये बल्ब नहीं ना जलेगा। अब ये बल्ब नहीं जलेगा। अब मान लीजिए वो नीचे नहीं आ रहा है, जो ऊपर गया है वो नीचे नहीं आ रहा है। अगर वो आ रहा है तो फिर वैसा ही करेगा तो बल्ब जल जाएगा। अगर वो नीचे नहीं आ रहा है, दूसरा कोई फिर से जा रहा है, अगर कोई जा रहा है तो क्या करेगा, जैसे ही स्विच के पास पहुंचेगा ये स्विच को नीचे की साइड में प्रेस करेगा। अच्छा, जैसे हमारी नॉर्मल बोर्ड की स्विच होती है, हम उसको मानते हैं कि जब हम उसको नीचे की साइड प्रेस करते हैं तो वो ऑन होती है, यही है ना मानना। कोई भी स्विच हमारी है, जब हम नीचे की साइड प्रेस करते हैं तो ये ऑन होती है। ये स्विच नीचे ऑन होती है कि ऊपर? ये दोनों तरफ ऑन होती है। जैसा है उसके विपरीत कर दीजिए, ऑन हो जाएगी, ऐसा ही बोल सकते हैं इसको। मतलब अगर ये ऊपर की तरफ है तो नीचे करना पड़ेगा, और अगर ये नीचे है तो ऊपर करना पड़ेगा। बस नीचे ही ऊपर होती है, और तो दबती नहीं है। तो अगर ये स्विच मान लिया इसी तरह से ऑफ के पोजीशन पे है, अगर यहां से किसी व्यक्ति ने फिर से चलना शुरू किया, जैसे ही चलेगा स्विच को नीचे के साइड प्रेस करेगा तो ये बीच वाला पॉइंट नीचे के साइड में टच होगा, ऊपर वाला छोड़ देगा, और जब नीचे के साइड में टच होगा ये फेस यहां से निकलेगा और इधर फेस पहुंच जाएगा ना, और न्यूट्रल वैसे ऑलरेडी उधर आ रहा है तो वो बल्ब जल जाएगा। और जैसे ही फिर छत पे पहुंचेगा, इसको भी नीचे की साइड में करेगा, मतलब इसके दोनों पॉइंट में फिर से फेस पहुंचने लगेगा, बल्ब बंद हो जाएगा। इस तरह से किसी भी कंडीशन में कोई भी शॉर्ट सर्किट नहीं होती है। अच्छा, एक जा रहा है, दूसरा सेम टाइम पे अगर आ रहा है तो क्या होगा, शॉर्ट कर जाएगा? कुछ नहीं होगा। अरे एक जा रहा है तो एक ने तो बल्ब जला ही रखा है, दूसरे को जलाने की क्या जरूरत पड़ी, बल्ब तो एक ही है। क्या दोनों मिलके जला देंगे तो तेज जलेगा? उतना ही जलेगा ना। तो फिर दोनों को जलाने की जरूरत नहीं, उजाला है तो वो उसको खुद ही दिखाई देगा, उजाला है, हमारे जलाने से कुछ नहीं होगा। और हाँ, अगर ये जला के जा रहा है, बीच में ही पहुंचा, अगर उसने भी टीप दिया तो क्या होगा, बंद हो जाएगा।
जो जल रहा था बल्ब वो भी बंद हो जाएगा, यही ना होगा? मतलब बल्ब को क्या पता, बल्ब को तो लगेगा कि ये पहुंच गया, तभी तो पहुंच के दबा रहा है, तो इसलिए वहां से वो बंद हो जाएगा। इसके हमारे इस वायरिंग के कई तरीके हैं, इसको हम अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला तरीका हमारा यही है, टू वे स्विच। टू वे स्विच का काम बस समझिएगा, इसको ही वायरिंग हम कहीं भी कर सकते हैं फेस वन फेस टू चेंज करने के लिए। टू वे स्विच का यूज हम वन वे स्विच के जैसा भी कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं? नॉर्मल बोर्ड में लगाना हो केवल बल्ब को चालू बंद करने के लिए तो लगा सकते हैं कि नहीं? खाली नीचे और बीच वाला पॉइंट को यूज कर लेंगे, ऊपर वाले को खाली छोड़ देंगे, हम सिंगल स्विच के जैसा भी उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है? यहां पर देखिए ये वाला पॉइंट, ये न्यूट्रल और फेस, दो पॉइंट है न्यूट्रल और फेस। तो न्यूट्रल के वायर को स्विच के ऊपर ऊपर हमने जोड़ा था, फेस के वायर को स्विच के नीचे नीचे जोड़ा है, और दोनों पॉइंटों के बल्ब के तार को दोनों स्विचों के बीच में जोड़ दिया। यही तरीका हमारा पहला। इसका दूसरे तरीके में अगर हम बात करें तो वैसे है तो ये पहला ही तरीका, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, इससे आपको कंफ्यूजन दूर होगा। ये पॉइंट हो गया हमारा, अगर हमें इसका वायरिंग ऐसे करनी हो, ये न्यूट्रल है, फेस है, न्यूट्रल के वायर को अगर हम यहां ऊपर जोड़ दें, यहां भी ऊपर जोड़े हैं ना, और अगर दूसरी स्विच के नीचे जोड़ देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब एक में ऊपर एक में नीचे यहां ऊपर कोई फर्क नहीं होता है। फेस के वायर को अगर हम यहां लेके गए, इसके नीचे में जोड़ दिए, इसके ऊपर में जोड़ दिए, और बीच वाले पॉइंट को बीच में जोड़ दिए, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। समझना इसको, क्लियर है ये? अब जैसे वो जुड़ा है वैसे ये जुड़ा है। अच्छा, इस अवस्था में दोनों स्विचें नीचे की साइड में होंगी तो बल्ब जलेगा कि नहीं? नहीं जलेगा ना। अगर इसमें दोनों स्विचें नीचे की तरफ है तो बल्ब जलेगा कि नहीं? जलेगा। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है, बस इसमें दोनों एक साइज में होंगी तो बल्ब जलेगा, और इसमें विपरीत रहती है तो बल्ब जलता है। क्लियर है? इसका जो तीसरा तरीका है वो हमारे वायरिंग से थोड़ा सा अलग आएगा। इसमें भी हमारी टू वे स्विच, हमारे वायरिंग का नियम क्या है, न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में डायरेक्ट जोड़ देंगे। देखिए हमारा तीसरा तरीका, हम अपने नियम पे अगर करें, जो हमारा नियम है कि न्यूट्रल के वायर को सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में जोड़ना होता है, अगर उसी नियम से हम वायरिंग करते हैं तो ये न्यूट्रल की सप्लाई है, और इसको हमें कहां जोड़ना है, उपकरणों के एक एक पॉइंट में। मतलब इसके अंदर तो एक ही उपकरण है ना, उसके एक पॉइंट में जोड़ देते हैं। जोड़ दिया, न्यूट्रल के वायर को उपकरणों के एक एक पॉइंट में जोड़ना है तो जोड़ दिया। फेस के वायर को स्विचों के निचले पॉइंट में जोड़ना होता है, हमारा दूसरा नियम है। हम फेस के वायर को यहां थोड़ा सा संशोधन में जोड़ेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, स्विच के ऊपर को ऊपर जोड़ देते हैं और नीचे को नीचे जोड़ देते हैं। देखिए अभी भी स्विच काम करेगी कि नहीं? करेगी ना, करेगी काम इस समय कि नहीं? इस समय स्विच से बल्ब ऑन ऑफ होगा कि नहीं? इस समय ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो ये बल्ब ऑन ऑफ होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा ना। अब अगर इसको जोड़ना है, ये फेस है, इस तार को ले जाके इसके बीच वाले में जोड़ते हैं, और इसका जो बीच वाला पॉइंट खाली, इसको हम बल्ब में जोड़ देते हैं, कंप्लीट। अब अगर मान लीजिए शुरू की अवस्था में दोनों स्विचें नीचे की तरफ है तो इस समय बल्ब जलेगा कि नहीं? जलेगा कि नहीं? जलेगा, जलेगा, नहीं समझ पा रहे क्या बोल रहे? देखिए ये न्यूट्रल है ना, और इतना तो जानते कि कोई भी बल्ब होगा, कोई उपकरण है, कोई भी पंखा है, कुछ भी है, उसको न्यूट्रल फेस दोनों पहुंच रहा होगा तो वो जलेगा, इतना तो मानते हैं। न्यूट्रल फेस दोनों पहुंचना चाहिए तो वो जलेगा, वो काम करेगा। तो ये न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल यहां से यहां हमेशा के लिए मिल गया है, अब इसको कोई काट नहीं सकता, इसके लिए कोई स्विच वगैरह बीच में नहीं है। मतलब न्यूट्रल डायरेक्ट बल्ब को दे दिया गया है, अब जो कुछ हो रहा है खाली फेस के साथ कलाकारी हो रही है। मतलब यहां से फेस है और निकल के गया स्विच के बीच वाले पॉइंट में, और ये स्विच नीचे की तरफ ऑन होने के कारण वो फेस यहां से नीचे आएगा ना, और आएगा तो यहां से यहां पहुंचेगा, और ये भी स्विच नीचे की तरफ है, मतलब ये हुआ कि यही फेस यहां से निकल के फिर यहां जाएगा, और इधर से निकल के फेस यहां पहुंच जाएगा। ये बल्ब जलेगा कि नहीं? जलेगा। अब अगर
किसी ने किसी स्विच को, मान लीजिए ये नीचे की तरफ थी, उसको ऊपर की साइड में अगर टच करवा दिया तो नहीं कुछ हो रहा है। अगर इसको ऊपर करवा दिया तो ये बीच वाला पॉइंट ऊपर टच हो जाएगा, टच हो जाएगा। इस समय बल्ब जल रहा है कि नहीं? मतलब क्या हुआ, ये फेस की सप्लाई है, यहां से बीच तक पहुंच रही है और स्विच का पॉइंट ऊपर टच होने के कारण यहां से सप्लाई ऊपर जा रही है और यहां से ऊपर ही रह जा रही है क्योंकि ये स्विच ऊपर नहीं है, तो इस समय बल्ब नहीं जलेगा। अब जैसे ही इसने स्विच को नीचे की साइड में किया, बीच वाला पॉइंट नीचे टच हुआ, यहां से फेस की सप्लाई निकल के पहुंची, बल्ब जल रहा है। अब अगर बल्ब जल रहा और ये पहुंचा छत पे, छत पे पहुंचा तो क्या करेगा, ये स्विच नीचे की तरफ से ऊपर कर देगा, बीच वाला पॉइंट ऊपर से टच हो जाएगा, ये फेस यहां से आके यहीं तक रह जाएगा और इधर वाला सप्लाई खाली यहीं तक रह जाएगी, ये कनेक्ट नहीं हो पाएगा, इसलिए बल्ब नहीं जलेगा। मतलब इस तरह से भी वायरिंग कर सकते हैं जी। किसी भी कंडीशन में, कोई भी कंडीशन इसमें भी नहीं है, तो अब सोचिए कि वो तो किसी भी वायरिंग में हमने वही नियम बताया कि सेम टाइम में हमने स्विच को ऑन किया, बल्ब जला और हम पहुंच गए। आपका कहना है कि हमारे पहुंचने से पहले कोई वहां से चल दिया, यही ना? नहीं, हम से चले गए, हम पहुंच गए, बल्ब वहां से बंद भी कर दिए, नीचे से जलाया, ऊपर से बंद किया और चले गए। हाँ तो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, जलेगा बल्ब, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर हम इसको थोड़ा सा मिटा के बना देते हैं, आपको दिखाते हैं, सही, बस हाँ एक पॉइंट सही है कि दोनों या तो ऊपर रहे या दोनों नीचे रहे, कोई भी कंडीशन इसमें और नहीं है। देखिए जैसे ये हमारा फेस है, यहाँ पे हमने टच करवाया था, ऐसा ही है ना, जिसे हमने ये कह दिया कि शुरू में मान लिए कि दोनों स्विच नीचे की तरफ है तो इस समय बल्ब जल रहा है और शुरू में हम इसको बल्ब को बंद कर देते हैं, मान लिया ऐसा है स्थिति इसकी, इस तरह की है, इस समय बल्ब बंद है। अब अगर यहां से कोई व्यक्ति चलना शुरू कर रहा है, यही ना, अब जैसे ही कोई व्यक्ति चलना शुरू करेगा तो इसी स्विच के पास पहले पहुंचेगा ना, और इस स्विच को ऊपर की साइड में ही करेगा क्योंकि यह नीचे पहले से है तो बचा ऊपर, और जैसे ही स्विच को ऊपर करेगा ये वाला पॉइंट ऊपर टच हो जाएगा ना बीच वाला, और जब बीच वाला ऊपर टच होगा तो मतलब ये फेस की सप्लाई यहां पहुंच रही है, फिर ऊपर पहुंच रही है, यहां से स्विच में पहुंच रही है और ये पहले से ऊपर है इसलिए सप्लाई इधर से आएगी और यहां बल्ब तक पहुंचेगी, बल्ब जलेगा। और अगर अब ये छत पे पहुंच गया और बंद करना चाहे तो इस स्विच को नीचे करेगा तो बीच वाला नीचे टच हो जाएगा, अगर बीच वाला नीचे टच हुआ तो बल्ब बंद हो जाएगा। सेम अगर वो वापस नहीं आ रहा और दूसरा फिर से जा रहा है, अगर दूसरा फिर से जा रहा है तो क्या होगा, जैसे ही यहां पे स्विच के पास पहुंचेगा, ये स्विच ऊपर की तरफ है तो इसको नीचे कर देगा, नीचे करेगा, बीच वाला पॉइंट नीचे टच हो जाएगा, यहां से सप्लाई फिर पहुंचेगी, बल्ब जलेगा। तो ये फेस के साथ चेंजिंग हो रही है, ठीक है ना, इसी तरह से हम कर सकते हैं इसकी वायरिंग। अगर इसका हम चौथा तरीका देखें, लगभग सेम है, ये न्यूट्रल फेस, इसको हमें जोड़ना है न्यूट्रल के वायर को, सबसे पहले बल्ब के एक पॉइंट में जोड़ देना है जैसा हमने उसमें जोड़ा है। फेस का जो वायर है, ये जो फेस का वायर है, हमने ऊपर को ऊपर जोड़ा है ना, उसमें ऊपर को ऊपर और नीचे को नीचे, यहाँ पे हम थोड़ा सा संशोधन करते हैं, ऊपर को अगर हम नीचे जोड़ दें या नीचे को ऊपर जोड़ दें तो कोई बात नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बस यही कहना। और ये फेस के तार को इसके बीच में जोड़ दीजिए और इसका बीच वाला बल्ब में जोड़ दीजिए, यानी वो जो दोनों वायर है सेम वही वायरिंग है लेकिन बस ऊपर का नीचे हो गया। इस कंडीशन में अगर नॉर्मल तरीके से देखेंगे तो ये जो पॉइंट है, दोनों स्विच किसी एक दिशा में होंगी तो बल्ब जलेगा, और इसमें दोनों स्विचें विपरीत दिशा में होंगी तब बल्ब जलेगा, ये थोड़ा डिफरेंट है। तो हमें विपरीत है कि दोनों एक दिशा में, ये कभी पता भी नहीं चलेगा, ऊपर और नीचे हम देखने थोड़ी जाएंगे, बस जैसा है अगर वो बल्ब नहीं जल रहा है तो उसके विपरीत कर दीजिए, चाहे वो कोई भी वायरिंग हो, कस्टमर को इस बात का ध्यान रखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। इसके अलावा अगर हम एक और तरीके की बात करें तो इसके अंदर एक और तरीका है, सबसे अच्छा तरीका ये है इसलिए हम इसको अलग बना रहे हैं, और आज के टाइम में सभी लोग मैक्सिमम इसी का यूज करते हैं और इसमें वायरों की संख्या की बचत हो जाती है, कुछ तार इसमें कम लगते हैं,
ये न्यूट्रल फेस है। किसी के घर की वायरिंग ऐसी है कि पहले से वायरिंग हुई है। देखिए, छत पे कोई तभी जाएगा जब छत पे भी एक मंजिला घर हो, मैक्सिमम चांस ये है। नहीं अगर घर है तो छत पे भी कम से कम एकाध बल्ब तो लगे ही होंगे। मतलब कुल मिला के कहना का ये है कि अगर ऐसी वायरिंग है कि न्यूट्रल फेस छत पे भी मिल जाते हैं और न्यूट्रल फेस नीचे भी मिल जाते हो, किसी के घर की वायरिंग अगर पहले से हुई है तो घर की वायरिंग ऊपर भी हुई होगी। न्यूट्रल फेस से हमें मतलब है क्या, वहां न्यूट्रल फेस मिल जा रहा है तो ठीक है, नीचे भी देख लेना, नीचे भी न्यूट्रल फेस मिल जाएगा। अगर ऊपर न्यूट्रल फेस मिल जा रहा है, नीचे भी मिल जा रहा है, तो हमें तारों की बचत हो जाती है। करना यह होगा कि न्यूट्रल और फेस, ये जो वायर है ना, एक तार को यहां से हम ऐसे जोड़ देना कि ये न्यूट्रल है मान लीजिए, तो इसको स्विच के ऊपर जोड़ दिया और फेस को नीचे जोड़ दिया। वैसे नीचे ऊपर कोई भी जोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं है। ये नीचे की बात हो गई। छत पे जो स्विच है वहीं से जहां से न्यूट्रल मिले वहीं जोड़ दीजिए और फेस जहां से मिले वहीं जोड़ दीजिए। मतलब नीचे से ऊपर तक तार लेके जाने की जरूरत नहीं है। इससे पहले ये जितनी भी वायरिंग की गई है, हर वायरिंग में ध्यान देंगे तो नीचे से ऊपर तक तीन तार जाते हैं टोटल। सीढ़ी कनेक्शन, तीन तार केवल सीढ़ी कनेक्शन के लिए जाते हैं। मतलब कौन कौन से हैं, एक है न्यूट्रल और एक है फेस और ये वाला हमारा एक है बल्ब से होते हुए जो जाता है। तो टोटल तीन तार नीचे से ऊपर तक जाते हैं, सभी वायरिंगों में तीन तार जाते हैं। ये सिर्फ चौथी वाली वायरिंग में हमारा तीन तार नहीं है। इसके अंदर ऊपर से मिल जाए न्यूट्रल फेस वहीं से ले लीजिए और नीचे से मिल जाए न्यूट्रल फेस तो वहीं से ले लीजिए। क्लियर? अब अगर बल्ब को जोड़ना है तो बीच वाले पॉइंट में जोड़ देना है। इसका ये मतलब हुआ कि यह एक तार नीचे से ऊपर तक आपको लेके जाना पड़ेगा। बस ये वायरिंग कंप्लीट है। अब देखिए, इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि किसी के घर की वायरिंग ऐसी नहीं होनी चाहिए कि दो खंभे से लाइट आई हो। मान लीजिए किसी के घर की वायरिंग ऐसी हो कि नीचे वाले हाल का जो वायरिंग है वो किसी और खंभे से आई है और ऊपर वाले का जो वायरिंग है वो किसी और खंभे से आया है। अगर दो खंभों से होगा तो फेस उसमें दो होगा, दोनों का फेस अलग अलग होगा। और अगर दो फेस किसी उपकरण को मिले तो एक में 220 वोल्ट होता है, दोनों में 440 हो जाएगा। समझ रहे हैं? मतलब ये वायरिंग आप तब कर सकते हैं जब किसी के घर की वायरिंग एक ही खंबे की लाइट से आई हो। लेकिन सभी के घर की वायरिंग एक ही खंबे से आती, कोई दो खंबे से नहीं करवाता है कि नहीं चलो नीचे वाला दूसरे के खंबे से करवा ले, ऊपर वाला दूसरे खंबे से करवा ले, ऐसा नहीं है। एक ही जगह से लेके आते हैं, एक ही ट्रांसफार्मर से लेके आते हैं, तब कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह का बस केवल कंडीशन है इसमें, क्योंकि अगर दो फेस होगा, आप देख रहे हैं कि इसके अंदर एक टाइम ऐसा भी आ रहा है जैसे मान लीजिए दोनों स्विच नीचे की तरफ है तो इसके अंदर दोनों में फेस पहुंच रहा है। देखिए, अगर वही वाला फेस नीचे से ऊपर वाले मंजिल पे गया होगा तो कहीं ना कहीं यही वाला न्यूट्रल यहां से कनेक्ट होगा। गया है ऊपर तभी तो पहुंचा है, कहीं ना कहीं किसी भी रास्ते से गया हो, लेकिन गया तो है और फेस भी वही वाला कनेक्ट होगा। तो बात तो ये वही हो गई जो हमारी पहली वाली वायरिंग थी कि फेस न्यूट्रल को ऊपर ऊपर, फेस को नीचे नीचे।